अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे ज़ाफ़रान कहते हैं। तो व्यूअर्स, ज़ाफ़रान एक सबसे महंगी जड़ी बूटियों में से है। तो व्यूअर्स, मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर अब चलते हैं इसके चंद फ़ायदों की तरफ। तो व्यूअर्स, ज़ाफ़रान का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये दिल और दिमाग दोनों के लिए नहायत मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम वगैरह की मकदार मौजूद होती है जो शरियानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे दिल बहुत अच्छी तरह खून को पंप करके जिस्म के अंदर मुंतकिल करता है। और इसके अंदर पोटाशियम की एक ख़ास मकदार ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। और व्यूअर्स, अब चलते हैं इसके दूसरे फ़ायदे की तरफ। वो अफराद जिनको किसी किस्म की भी कमज़ोरी है, ज़ाफ़रान इस्तेमाल करने से उनकी तमाम कमज़ोरियां ख़त्म हो जाती हैं। और व्यूअर्स, एक इसका और फ़ायदा यह है कि ये कैंसर से बचाता है, क्योंकि इसके अंदर क्रोकिंस का केमिकल मौजूद होता है वो जो कैंसर को ख़त्म करता है, बल्कि कैंसर पैदा करने वाले तमाम जरासीमों का खात्मा जड़ से करता है। और वो अफराद जिनको मेदे का मसला है, मतलब कि उनके स्टमक के अंदर तेजाबियत है, उनके लिए ज़ाफ़रान का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाफ़रान मेदे को ताकत दे के तेजाबियत को जड़ से ख़त्म करता है। मेदे के लिए ज़ाफ़रान का इस्तेमाल, एक चुटकी ज़ाफ़रान को चाय में इस्तेमाल किया जाए तो मेदे की कमज़ोरी दूर हो जाती है। और व्यूअर्स, वो अफराद जो बुढ़ापे में हैं और उनको नज़र का मसला बन गया है, उनके लिए ज़ाफ़रान का इस्तेमाल ज़रूरी हो किया गया, क्योंकि किसी एक कीमियाई यूनिवर्सिटी में ये बात जाहिर की गई है कि ज़ाफ़रान का इस्तेमाल नज़र को तेज़ करता है। और ये बात भी वाज़ह की गई है कि वो अफराद जिनको दमे की शिकायत है, उनकी हवा सांस की नालियों के अंदर सोजिश को कम करता है। तो व्यूअर्स, ज़ाफ़रान का इस्तेमाल फेफड़ों के अंदर जाकर तमाम इन्फेक्शंस को ख़त्म करता है, जिससे सांस और दमा जैसी बीमारियों से निजात मिलती है। और व्यूअर्स, वो अफराद जो मुसलसल ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं, वो मुकम्मल तौर पर परेशानियों और डिप्रेशन से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि ज़ाफ़रान के अंदर कुदरती तौर पर एक ऐसी तवानाई मौजूद होती है जो जिस्म को एक्टिव और हर वक्त चुस्त रखती है। तो व्यूअर्स, ज़ाफ़रान का इस्तेमाल हर उम्र में किया जा सकता है और ज़ाफ़रान का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा दिन को करना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये ज़्यादातर मैदानी इलाक़ों में पाया जाता है और ज़ाफ़रान का इस्तेमाल ज़्यादा उम्र के लोगों को करवाना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। और मज़ीद वीडियो के लिए अपनी राय का इजहार मेरे कमेंट सेक्शन में कीजिए।